पल्टन वर्सेस पायरेट्स आज का दूसरा मुकाबला। पायरेट्स सीजन 11 में अपना पहला मुकाबला खेल रही है हैदराबाद की कच्ची बोली कि इस खूबसूरत से मैदान में हम सभी तैयार हैं। और कुछ रिशांक हमने देखा जीम 11 स्टार्टिंग 7 में कुछ नए नाम युवा नाम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दो खिलाड़ी युवा खिलाड़ी दिख रहे हैं हमें पटना पायरेट्स के खेमे में, पर यहाँ पे अटैक करके जो इनकी शैली है पुणे की, जिस तरह से पहली रेट से अटैक करके खेलती है पुणे की डिफेंस, और वही करके दिखा है पटना पायरेट्स के रीडर्स को। संभलना पड़ेगा, अपने आप को संवारना पड़ेगा, बट कुनेरी पल्टन बहुत अद्भुत खेलना चाहेगी। यहाँ पर असलम नामदार लेफ्ट कवर को शिकार बनाते हुए डिफेंस में अंक आ चुका है और अब रेड में भी अंक आता हुआ पुनेरी पल्टन के लिए। बहुत ही संतुलित टीम है ऋषंग पुनेरी पल्टन, बिल्कुल बहुत ही संतुलित और जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं करके डिफेंस में संजय दा। चलिए कमाल किया, रॉब सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ। अंकित ने बहुत बढ़िया टैकल किया मगर की जकड़ में फंस गए आखिर। चलिए पॉइंट्स का जर्सी नंबर राइट, अयान का ये रनिंग हैंड टच पंकज मोहिते के ऊपर। वन पॉइंट पटना पायरेट्स, नंबर 12 आउट। डू और डाई आती भी पुनेरी पल्टन की तरफ से, मुकाबला इंटरेस्टिंग है। डू और डाई में सीधे पैरों पर गए, दीपक थे वहां पर और दीपक ने सीधे पैर लिए, ऐसा लगा के एक पल के लिए ठहर से गए हैं मोहित। 18 पॉइंट्स है उनके डू और डाई में, वक्त कर रहा है देवान कौर। छलांग लगाई थी एकदम चीते की तरह लेकिन हाथ से पहुंच से दूर और आखिर देवान के हाथ मिड लाइन तक पहुंचते पहुंचते छिटक गए। वन पॉइंट पुनेरी पल्टन, पहुंच जाते तो आधी टीम साफ हो जाती, ऑल आउट का खतरा और ऑल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक खिलाड़ी कभी ऑल आउट को बचाने में ऑल आउट हुआ है। 1-3 पॉइंट पुनेरी पल्टन, ऑल आउट होने के साथ ही पटना पायरेट्स और लीड और मजबूत हो गई यहां पुनेरी पल्टन की। तो धीरे धीरे पुनेरी पल्टन अपनी रंगत में लौटने लगी। और अब पंकज मोहिते वहां पर रेड पर राइट रेडर के तौर पर गए हैं रेड लगाने पर। पिछली बार पुनेरी पल्टन का डिफेंस ने अच्छा किया तो इस बार पटना पायरेट्स के डिफेंस ने बाहर किया मेन रेडर को। किसी भी मुकाबले की अगर आपको तस्वीर समझनी हो तो फेल टैकल्स देख लीजिए। पायरेट्स ने 6 दिए हैं, पल्टन ने 1 किया। पल्टन का तो फेल टैकल होता ही नहीं। पिछले सीजन दोनों टीमों ने 3 मुकाबले खेले और यहां हर डिफेंस हर रेड जिस तरह से पुणेरी पल्टन का डिफेंस रोक रहा है पटना पायरेट्स के रेडर को, तकरीबन पिछले कुछ मिनट में इस मुकाबले को एक तरफा सा बना दिया है। यहाँ डू और डाई है तो डू और डाई के स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। अपनी टीम के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डू और डाई में चाहे 3-4 का हाउस हो मोहित गोयत हमेशा तैयार खड़े होते हैं। बहुत ही अच्छा एस्केप है मोहित गोयत। सब्स्टिट्यूशन पटना पायरेट्स, एम सुधाकर ये लंबा कद ये चपलता सब कुछ याद है लेकिन सीजन बदल चुका है और इस सीजन पुनेरी पल्टन का डिफेंस और ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। प्लीज कमाल का टैकल किया सुधाकर पर। दो डायरेक्ट और पुनेरी पल्टन डाई भी है यानी कि सोने पर सुहागा हो सकता है। ड्रॉप सुपर टैकल की गुंजाइश एक बार फिर, दो का डिफेंस एंड लाइन के नजदीक जाते हुए यहां अंदर चले गए और अब जैसे ही अंदर जाएंगे तो फिर सुपर टैकल कामयाब होगा। गनीमत यह है कि न सिर्फ सुपर टैकल मिला बल्कि रिवाइवल मिला, रॉफ सुपर टैकल कामयाब।
मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल है। पहला हाफ समाप्त। बिल्कुल बहुत ही अच्छा टैकल ये। तो क्या पटना पायलट्स वो कर सकते हैं? युवा साइड है, पहले हाफ में थोड़ा सा हिले जरूर, लेकिन दूसरे हाफ में वापसी कर सकते हैं। बुल्स को मुकाबला वहां जीतना होगा, बट यहां पटना पायरेट्स को वापसी की गाथा लिखनी होगी। लीजिए पंकज मोहिते इस बार राइट कॉर्नर को जाकर अटैक करते हुए रनिंग हैंड टच किया शुभम शिंदे पर। और यहां पर पॉइंट जरूर मिला है, यानी कि रिवाइवल के रास्ते पर लौटने की कोशिश जरूर दिखाई दे रही है दूसरे हाफ में। क्या रिवाइवल लाकर ऑल आउट से भी बचेंगे और रॉक सुपर टैकल भी करेंगे। एक कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन से भरपूर पटना पायरेट्स को मिलता हुआ रॉक सुपर टैकल। ये है मगर की जकड़। कमाल की वापसी की शुरुआत करती है रॉक सुपर टैकल, कामयाब किया यहां पर। और एक नहीं दो पॉइंट, और सबसे बड़ी बात एक रिवाइवल भी। दो थे, अब दो से चार हो गए। पटना पायरेट्स हल्का सा प्रयास करके पटना पायरेट्स के रीडर वापस आए हैं। इस बार किक लगा दी है, पिछली बार ज्यादा राइट कॉर्नर की दिशा में जा रहे थे, बट इस बार लेफ्ट कॉर्नर की दिशा में गए रिशांत और एक शानदार किक नजर आती हुई। One point, पुनेरी पल्टन। बहुत ही अच्छा किक है मोहित का। और ये लॉबी में गए, लेकिन मुझे लगता है कि संतुलन बिगड़ने की वजह से गए, हालांकि दावा कर रहे हैं कि उन्होंने टच किया। ओह, टच था, बोनस भी लिया और एक टच पॉइंट भी लिया। बिल्कुल थिरकन तो दिखाई दी नहीं है। रिव्यू सक्सेसफुल, बोनस पॉइंट पटना पायरेट्स, ऑल आउट 1+3 points पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन असल में नामदार ने कॉन्फिडेंस के साथ रिव्यू लिया था और वो रिव्यू के पक्ष में गया है। पुनेरी पल्टन ने पटना पायरेट्स को एक वर्तमान और ऑल आउट कर दिया है। यहां पर भी पकड़ बनाई और इस बार काम किया। बोनस पॉइंट पुनेरी पल्टन, 1 point पटना पायरेट्स। ते जाते अपनी झोली में बोनस जरूर डाल गए। वहां अंकित ने अपना हाई फाइव पूरा किया और यहां पुनेरी पल्टन का डिफेंस पटना पायरेट्स के लीडर्स को एक भी अंक नहीं देना चाहता है। इस बार इनकी पोजीशन से हमें ऐसा नजर आया कि वो एंकल होल्ड हो। अब यहां पर डू और डाई है, डू और डाई पर आपको पंकज मोहिते नजर आ रहे हैं। 5 का हाउस है पुनेरी पल्टन के लिए, 4 सफल डू और डाई रेट रही है 5 के हाउस में। अंकित लेफ्ट कॉर्नर पर है, मौका होगा फिर से एक बड़ा पॉइंट अर्जित करने के लिए। बहुत कम सेकंड रेट बचे हैं, 3, 2 और 1, बहुत कम बार पुनेरी पल्टन के रेडर को ऐसे सरेंडर करते हुए देखते हैं। और यहाँ चलिए कामयाबी मिली लंबे समय के बाद, एक अच्छी रेट देखने को मिली। फास्ट क्लास जरूर बड़ा है, लेकिन ये पहला मुकाबला है, पहले मुकाबले में तो आप अपने शरीर की जंग उतारते हैं। तो सुधाकर भी नहीं चले, संदीप भी नहीं चले, जो पायरेट्स की सबसे बड़ी उम्मीद थी बैक होल्ड कमान। और इस स्किल में गौरव खत्री ने जिस तरह की महारत हासिल की है उसका जवाब नहीं। बहुत ही जबरदस्त ये बैक होल्ड। पिछली बार पंकज जब डू और डाई पर आए थे समय पूरा ले गए थे, इस बार पंकज मोहिते फिर से आए हैं। 5 का हाउस है, 4 सफल डू और डाई रेट रही है, 3 असफल रही है। पर क्या पंकज इस बार अतिरिक्त प्रयास करेंगे? राइट कॉर्नर ने उनके ऊपर धावा बोला, सिंगल और डबल डाई पर जाने की कोशिश की, शुभम शिंदे को मिलता हुआ उनका बड़ा टैकल पॉइंट। सच कहा जाए तो इतने लोकप्रिय विदेशी खिलाड़ी पहले थे, लेकिन इस बार पहली रेट में जैक कुली को मोहित को ने चलता किया। आर्यवर्धन आए अंदर पंकज मोहिते की जगह पर। रेडर्स की नई पौध तैयार कर रहे हैं पुनेरी पल्टन। लंबे जब आपके पास मुकाबले होते हैं,
अक्सर सौरभ गांगुली को हमने कहते हुए सुना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एक दिन हारे तो अगले दिन आप जीत सकते हैं। बट यहां पुनेरी पल्टन का डिफेंस आज कोई मौका पटना पायरेट्स के रीडर्स को नहीं दे रहे हैं। आज सफल टैकल की गिनती को आप देखिए, पुनेरी पल्टन 20 टैकल पॉइंट। कभी कभार एक मुकाबले में हम दोनों टीमों के मिलाकर 20 टैकल पॉइंट नहीं देखते हैं, बट इस जीत के साथ पुनेरी पल्टन लगातार दूसरी जीत अर्जित करती हुई डिफेंडिंग चैंपियंस ने अपना मार्क दर्शा दिया है कि वो इस सीजन भी रिमार्केबल परफॉर्मेंस देने के लिए पूर्णतः तैयार है।